सरोजनी से डायरेक्टली जा रहे हैं अमृतसरी कुलचा किंग पे, वहाँ पर हम कुलचे खाने वाले हैं, छोले कुलचे। तो आइए जल्दी से फटाफट से वहाँ पर मूव ऑन कर लेते हैं। हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डायरेक्टली सरोजनी नगर मार्केट से आए हैं कुलचा किंग। यहाँ पर अमृतसरी कुलचा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैंने यूट्यूब पर ही देखा था बट आना कभी नहीं हुआ। तो सरोजनी नगर मार्केट से ना जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही ये कुलचा किंग बना हुआ है, आप वॉक कर आ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ना बैठने का स्पेस आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा, कुछ भी अंदर बैठ कर खाने वाला नहीं है। यानी कि नॉन एसी है, नॉन एसी के नाम पर कुछ भी नहीं है, आई मीन एसी में। तो आपको गर्मी में ही बैठ कर खाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी प्लेट रेडी है, ये हमारी प्लेट रेडी है, अब हम इसको खाने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा और हमारा रायता भी बिखर गया। ले लें दूसरा, ये किस्मत में ही नहीं था और हमारा रायता ना बिल्कुल रायता ही हो गया। ये आप देख सकते हो कि हमारे रायते का ना बिल्कुल रायता ही हो गया, पूरा बिखर चुका है। सो गाइज, ये है कुलचा किंग अमृतसरी कुलचे वाले। बाहर से आपको ये शॉप ऐसी दिखेगी और यहाँ आने के लिए सरोजनी नगर मार्केट से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप आ सकते हैं। यहाँ पर बैठने का बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं है, बाहर ही इन्होंने टेबल और चेयर लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर आप मेन्यू देख सकते हैं और इसमें से डिसाइड कर आप जो भी मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। तो मुझसे जितनी हुई मैंने उतनी वीडियो शूट कर ली यहाँ पर। ये अभी भैया किसी के लिए छोले पैक कर रहे हैं और यहाँ कुलचों पर घी लगाया जा रहा है, घी या बटर जो भी था भैया वो लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये है कुलचा किंग का अमृतसरी कुलचे वाले भैया के छोले और ये हैं कुलचे, इनके स्टफ्ड कुलचे हैं 100 रुपीज़ के 2। अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो सिंगल भी मिल जाएगा आपको 60 रुपीज़ का। और इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है कुलचे में, यानी कि स्टफ्ड कुलचा है, मिक्स कुलचा है, पनीर कुलचा है, अगर आप कुछ और करवाना चाहते हैं तो वो भी है। और साथ में ही लिया है हमने रायता 20 रुपीज़ का पर ग्लास इन्होंने दिया है। लस्सी भी मिल रही थी मदर डेयरी वाली जो 30 रुपीज़ की थी। तो अभी हम इसको खाकर देखने वाले हैं कि ये कैसा लगेगा। काफ़ी मतलब काफ़ी क्रिस्पी है। ये हमारे रायते का पूरा रायता फैल गया है। ये रायता इसलिए फैला क्योंकि ये वीडियो शूट कर रही थी। हाँ यार, मैंने प्लेट उठाई और वापस रखी तो ये गिर गया, बट ये 20 रुपीज़ का ग्लास था, थोड़ा सा बचा है तो हम इसको टेस्ट ज़रूर करेंगे कि कैसा है। सो गाइज, अभी हम खाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसा लग रहा है। ये मेरी फर्स्ट बाइट और मैं आपको खा के बताने वाली हूँ कि कैसा है। कुलचा क्रिस्पी है, मिक्स वेजीज भरी हुई हैं और इसमें ना साबुत धनिया डाला हुआ है जो मुझे पसंद नहीं है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। छोले की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा दे देंगे अगर हम मांगेंगे तो, क्योंकि भैया लेकर घूम रहे हैं। और कैसा लगा तुझे? अच्छा लगा, और अंदर से स्टफिंग भी देख लो, अच्छा खासा स्टफ किया हुआ है। अच्छा मतलब अच्छे इसमें आलू फिल करे हुए हैं, काफी स्टफ्ड है ये, हरी मिर्च भी है, मसाले हैं इसके अंदर। और ये साबुत धनिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साक्षी, तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत हॉट है, हॉट हॉट वेदर में बहुत ज्यादा हॉट है यार। ओके, तो दोबारा आना चाहोगे यहाँ पे खाने? हाँ, सर्दियों में यहाँ पर जरूर आएंगे। और हमने एक्स्ट्रा रायता, और भैया इसमें छोले डाल दो, छोले मंगाए थे। ओके बेटा। और ये रायता आ गया जो मैंने फैला दिया था। अलग से छोले और भी ये दे देते हैं। भैया ये प्याज वाली चटनी है ना? हाँ जी मैडम। अच्छा, तो ये आ गए हमारे गर्मा गर्म छोले विद प्याज वाली चटनी। और कुछ देने में? बस नहीं भैया, थैंक यू। पहले वाला रायता तो मैंने गिरा दिया था तो हमने और मंगवा लिया, बहुत ही टेस्टी है। रायता ज़रूर लेना यहाँ पर आते हो तो। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि आपने साइज देख लिया, स्टफिंग देख ली, अब ये यू मी वी वाली मैडम जी जो है ये खाना वाला ज़रा छोड़ती नहीं है।
इनको चाहिए कि प्लेट अगर हमने ली है तो खाली होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे से आधा भी नहीं खाया जा रहा है यार। यार मतलब ये साक्षी जो ब्यूटी एंड फैशन की साक्षी है ना, ये चाह रही है कि ये दोनों कुलचे मैं खा लूं। ये ना बहुत कम खाती हैं, सीरियसली देखो तभी हाँ। इनका ये फिगर का इनका ये राज है ना, मेरी हाँ मेरी फिगर का राज यही है कि मैं कम खाती हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, उस दिन मेरे से खाना नहीं खाया जाता है, फैक्ट ये है। कोई बात नहीं साक्षी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं खा लूंगी सारा, अभी ये खाएंगी सारा का सारा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सरोजिनी नगर आते हो और कुछ पंजाबी टाइप खाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। पूरे की पूरा जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है ना, तो गूगल मैप्स में डालना, 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस दिखाएगा, आप इजीली यहाँ आ सकते हो। और जब आप यहाँ पर आकर खा लोगे ना, तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, और आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट कर ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।